हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय एएस एटम, आई मीन आर्सेनिक एटम इन फॉर्मेशन ऑफ एएसएफ5 आर. तो अगर आर्सेनिक का हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो आर्सेनिक ने पांच बॉन्ड्स बनाया, राइट. तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 dehybridization है. तो अब हाइब्रिडाइजेशन तो हमको पता चल गया, मतलब ASF5 बनाने में आर्सेनिक एक s ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, तीन p ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है और एक d ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है. तो अगर मैं अपने आंसर को देखूँ तो जब चार ऑप्शंस चेक करें हम, तो उसमें से s और px py pz तो होगा ही, एस पी एक्स पी वाई पी जेड होगा ही, बट डी में कौन सा वाला होगा वो हमें चेक करना है. तो अब यहाँ पे डी में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, सॉरी डी में यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल हमें चाहिए, बट यहाँ पे दो है तो ये तो रिजेक्ट हो गया. ओके, अब सेकेंड केस में अगर देखते हैं तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट. बट लास्ट वाला नहीं हो सकता, फिर से इसमें डी दो बार आ गया है, डी ऑर्बिटल. तो अब अगर हम ये दोनों को चेक करें तो ये दोनों में से हमारा एक आंसर होगा. अब इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो है ना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है, मतलब कुछ इस तरह से उसका शेप होता है. यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये तीनों एक प्लेन में लाए करते हैं और एक अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे एक रहता है जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रहेंगे, ठीक है. तो ऊपर भी एक एफ और नीचे भी एक एफ. तो अब इधर पे पी एक्स पी वाई पी जेड तीन यूज हो गया एंड एक एस ऑर्बिटल यूज हो गया. तो जो बचा है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको डी जेड स्क्वायर होना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट डी जेड स्क्वायर का जो लोब होता है वो परपेंडिकुलर होता है इसके, इसके परपेंडिकुलर हमें चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर. तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ डी जेड स्क्वायर ही हो सकता है, राइट. तो जब भी हमारा sp3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में जो d ऑर्बिटल जो हमारा यूज होगा वो हमेशा z स्क्वायर होगा. ओके, हमेशा z स्क्वायर होगा. तो ये बात ध्यान में रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात आई तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि जो d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है वो dz स्क्वायर वाला यूज़ होगा. थैंक यू.